गांधी जी के जीवन पर आधारित इस वीडियो सीरीज की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रोहित भट्ट। गांधी जी कहते हैं, आई वॉज सेव्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मिसिज अलेक्जेंडर द वाइफ ऑफ द पुलिस सुपरिटेंडेंट हु हैड विटनेस्ड एवरीथिंग। मैं पुलिस सुपरिटेंडेंट की पत्नी मिसिज अलेक्जेंडर की उपस्थिति से बच गया जिन्होंने सब कुछ देखा था। गांधी जी कहते हैं, दैट ब्रेव वुमन हेल्ड द मॉब एट बे अंटिल द पुलिस अराइव्ड टू एस्कॉर्ट मी टू सेफ्टी। उस बहादुर महिला ने भीड़ को तब तक रुके रखा जब तक पुलिस वहाँ नहीं पहुँची। यू शुड ऑल बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। वह महिला कहती है कि आप सभी को शर्म आनी चाहिए। एट लास्ट विद द हेल्प ऑफ पुलिस सुपरिंटेंडेंट एंड हिज मैन आई वॉज रीयूनाइटेड विद माई फैमिली। आखिर में मैं पुलिस की मदद से अपने परिवार से दोबारा मिल गया। बा कहती हैं, वी हैव बीन वरीड सिक। हम आपके लिए बहुत चिंतित थे, आप कहाँ थे इतने दिनों से। इसका उत्तर देते हुए गांधी जी कहते हैं, डोंट वरी थिंग्स विल काम डाउन नाउ। चिंता मत करो, अब चीज़ें शांत हो जाएंगी। गांधी जी कहते हैं, बट वी वर फार फ्रॉम सेफ द मॉब हैड फॉलोड। हम अभी भी सुरक्षित नहीं थे, तभी एक पत्थर कांच तोड़ता हुआ अंदर आया। भीड़ उनका पीछा कर रही थी। तभी पुलिस सुपरिटेंडेंट गांधी जी से कहते हैं, वी हैव टू गेट यू आउट ऑफ हेयर। आई विल कीप द मॉब ऑक्यूपाइड वाइल यू स्लीप अवे। डिसगाइज योर सेल्फ एज वन ऑफ माई कॉन्स्टेबल। मैं भीड़ का ध्यान भटका कर रखूँगा, तब तक आप कॉन्स्टेबल का भेष बदल कर यहाँ से निकल जाइए। गांधी जी कहते हैं, डू यू थिंक इट विल वर्क। क्या यह तरीका काम करेगा। तभी कस्तूरबा गांधी कहती हैं, डू इट If you stay, they will kill you। आपको जाना होगा, अगर आप यहाँ रुके तो वो लोग आपको मार देंगे। And so while Mr. Alexander amused the mob with a song of his own invention, I slipped away disguised as a South Indian police constable। इस बीच जब Mr. Alexander भीड़ का ध्यान भटका रहे थे, मैं एक South Indian police constable के भेष में वहाँ से भाग गया। Things soon quietened down and I was able to speak with my neighbor, the attorney general। चीज़ें अब शांत हो गई थी। मैं अपने पड़ोसी अटॉर्नी जनरल से बात कर सकता था। अटॉर्नी जनरल उनसे कहते हैं, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड। इफ यू विश टू प्रोसिक्यूट दोज हु अटैक्ड यू, आई विल अंडरस्टैंड। मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, चीज़ें हाथ से निकल गई थी। अगर तुम जिनने तुम पर हमला किया उन पर मुकदमा चलाना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गांधी जी इसका जवाब देते हुए कहते हैं, नो प्लीज़ आई विल नॉट प्रोसिक्यूट। मैं कोई मुकदमा नहीं चलाना चाहता। दोज पीपल वर एक्टिंग अंडर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, दे आर नॉट एट फॉल्ट। आई डोंट वॉन्ट टू सी एनीवन पनिश्ड फॉर दिस। उन सब लोगों को कुछ गलत जानकारी मिली थी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मैं किसी को भी सजा होते हुए देखना नहीं चाहता। यह सुनकर अटॉर्नी जनरल खुशी से कहते हैं, थैंक यू मिस्टर गांधी, यू हैव सेव्ड द गवर्नमेंट द एम्बैरेसिंग जॉब ऑफ प्रोसिक्यूटिंग आवर ओन सपोर्टर्स। धन्यवाद मिस्टर गांधी, आपने अपने ही समर्थकों पर मुकदमा चलाने के शर्मनाक काम से सरकार को बचा लिया है। गांधी जी सोचते हैं, इट इज़ स्ट्रेंज बट आई थिंक दैट इंसिडेंट वॉन अवर कॉज ए लॉट ऑफ
support and sympathy. It would not have had the same effect if I had sought to prosecute my assailants. यह अजीब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस घटना ने हमारे लिए बहुत समर्थन और सहानुभूति जीती। अगर मैं अपने हमलावरों पर मुकदमा चलाने की कोशिश करता तो इसका उतना असर नहीं होता। गांधी जी कहते हैं, माई होम वॉज ए काइंड ऑफ ओपन हाउस एंड आई ऑफ्टन अलाउड माई कलर्क्स टू लीव विथ मी। माई वाइफ फाउंड दिस प्रैक्टिस डिफिकल्ट टू कम टू टर्म्स विथ। मेरे घर के दरवाजे अक्सर सभी के लिए खुले रहते थे और मैं अपने कलर्क्स को अपने साथ ही रहने देता था, पर मेरी पत्नी को यह कुछ कठिन लगता था। इस पर माँ कहती थी, आई डोंट माइंड यू लेटिंग योर क्लर्क्स लीव हेयर, बट वाई डू वी हैव टू क्लीन देयर चैम्बर पॉट्स, इट्स डिस्गस्टिंग। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि आप अपने क्लर्क्स को यहाँ रहने देते हैं, पर हमें उनके चैम्बर के बर्तनों को धोने की क्या आवश्यकता है? यह काम मुझे बहुत घृणा वाला लगता है। वन ऑफ आवर गेस्ट वॉज ए यंग क्लर्क हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, बट हिज पेरेंट्स हैड बिलोंग टू द अनटचेबल कास्ट। कस्तूरबा डिड नॉट लाइक हैविंग टू क्लीन अप आफ्टर हिम। हमारे मेहमानों में से एक युवा क्लर्क जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया था, पर उसके माता पिता अनटचेबल कास्ट से आते थे, इसलिए कस्तूरबा गांधी उनका कमरा साफ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती थी। इस पर कस्तूरबा कहती हैं, यू वुड हैव मी क्लीन द चैम्बर पॉट ऑफ एन अनटचेबल, दिस इज इनटॉलरेबल। क्या अब आप मुझे एक अछूत के बर्तनों को साफ करने को कहेंगे? पर गांधी जी कहते हैं, अनटचेबिलिटी इज ए कर्स ऑन इंडिया। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट द वाइट्स टू ट्रीट अस एज इक्वल्स वेन वी डोंट इवन ट्रीट अवर ओन पीपल एज इक्वल्स। अस्पृश्यता भारत के लिए एक अभिशाप है। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि गोरे लोग हमारे साथ समान व्यवहार करें, जबकि हम अपने ही लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं करते हैं? वह बासे कहते हैं, इट्स नॉट इनफ फॉर यू टू मैरिली डू योर ड्यूटी, यू शुड डू इट चेयरफुली। आपको अपना काम सिर्फ कर्तव्य समझकर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे खुशी से करना चाहिए। इस बात पर गांधी जी और पा के मतभेद भी हुआ करते थे, और एक बार उन्हें एहसास हुआ, आई मस्ट लर्न टू कन्वर्ट माई एंगर एट इनजस्टिस इंटू लव, ओनली थ्रू लव कैन वी मेल्ट हार्ट्स। मुझे अन्याय के प्रति गुस्से को प्यार की भावना में बदलना होगा, केवल प्यार की भावनाएं ही लोगों के दिलों को पिघला सकती हैं। In 1898, we were blessed with a new addition to the family, my third son, Ramdas. Alas, the outbreak of the Boer War the following year meant I could not spend as much time with my children as I would have liked. 1898 में हमारे परिवार में एक नया सदस्य आया, मेरा तीसरा बेटा रामदास। अगले साल बोर वॉर होने का मतलब यह था कि मैं अपने बेटे के साथ इतना वक्त नहीं गुजार पाऊंगा जितना मैंने सोचा था। गांधी जी अपने किसी दोस्त से कह रहे हैं, वी शुड कॉल ए मीटिंग ऑफ द कांग्रेस एंड डिस्कस व्हाट रोल वी शुड प्ले इन दिस वॉर। हमें कांग्रेस की एक मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें हमें यह बात करनी चाहिए कि हम वॉर में क्या भागीदारी कर सकते हैं। ये उनके दोस्त कहते हैं, What role? With luck, both the British and the Boers will wipe each other out. क्या भूमिका हमें निभानी होगी? अगर किस्मत हमारे साथ होगी तो ब्रिटिश और बोर एक दूसरे का सफाया कर देंगे। कांग्रेस मीटिंग बुलाई जाती है। While my heart was with the Boers, I felt that if I demanded rights as a British citizen, it was also my duty as such to participate in the defense of the British Empire. जबकि मेरा मन बोरों के साथ था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं एक ब्रिटिश नागरिक के रूप में अधिकारों की मांग कर रहा हूँ तो यह मेरा कर्तव्य भी है कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का भी पक्ष रखूँ। गांधी जी कहते हैं,
if we Indians are to be treated as equal citizens within the British Empire, then we should encourage the community to side with the British. यदि हम भारतीयों को ब्रिटिश एम्पायर में समान नागरिकों की तरह माना जाता है तो हम इस समुदाय को भी अंग्रेज़ों के साथ आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। गांधी जी जब उस समुदाय के लोगों से बात करने जाते हैं तो उस समुदाय के लोग कहते हैं, बट द ब्रिटिश आर अवर एनिमीज, वाई शुड वी साइड विद देम, लेकिन अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं, हम उनका साथ क्यों दें। इसके उत्तर में गांधी जी कहते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर इन डिसएग्रीमेंट विद द ब्रिटिश डज नॉट मेक देम एनिमीज, सिर्फ इसलिए कि हम अंग्रेज़ों से असहमत हैं इसका मतलब यह नहीं कि हम उनके दुश्मन हैं। इफ़ वी वर टू मेक एनिमीज ऑफ एवरीवन वी डिसएग्री विद, आई वुड बी इन ए स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट वॉरफेयर विथ माई वाइफ, अगर हम उन सभी को दुश्मन बना लें जिनसे हम असहमत हैं तो मैं अपनी पत्नी के साथ लगातार युद्ध की स्थिति में होता। गांधी जी अपने उसी दोस्त से बात करते हुए कहते हैं, इफ़ वी फेल टू सपोर्ट द ब्रिटिश वी विल बी इनवाइटिंग फ्रेश हॉस्टिलिटी एंड इवन एक्सपल्जन, येट इफ़ वी गिव अवर सपोर्ट वी विल गेन देयर रिस्पेक्ट एंड स्ट्रेंथन अवर राइट टू लिव हेयर, अगर हम ब्रिटिशों का समर्थन करने में विफल रहते हैं तो यह नई शत्रुता को आमंत्रित करने जैसा होगा, फिर भी अगर हम अपना समर्थन देते हैं तो हम उनका सम्मान हासिल करेंगे और यहाँ रहने के लिए अपने अधिकारों को मजबूत कर पाएंगे। यू से अवर मूवमेंट इज कमिटेड टू नॉन वायलेंस एंड येट नाउ यू वुड हैव अस फाइट ए वॉर फॉर द ब्रिटिश, गांधी जी पर सवाल उठते हैं कि आप कहते हैं कि हमारा आंदोलन अहिंसा के लिए प्रतिबद्ध है और फिर भी अब आप हमें अंग्रेज़ों के लिए युद्ध लड़ने के लिए कह रहे हैं। इसका जवाब देते हुए गांधी जी कहते हैं कि नो आई सजेस्ट वी रेज एन एम्बुलेंस कोप्स वी सॉल्व सर्व स्ट्रिक्टली एज नॉन कॉम्बेटेंट्स, नहीं मेरा मतलब है कि हम एक गैर लड़ाकू के तौर पर काम करेंगे। वी रेज्ड ओवर 1000 वॉलंटियर्स टू सर्व इन द एम्बुलेंस कोप्स एंड आई फाउंड माई सेल्फ enlisted as a sergeant major in the British Army. We may have been non-combatants, but we soon came under fire at the fierce battle of Spion Corps. हमने ambulance corps में सेवा करने के लिए 1000 से अधिक स्वयंसेवकों को खड़ा किया और मैंने खुद को ब्रिटिश सेना में एक सर्जेंट मेजर के रूप में सूचीबद्ध पाया। हम भले ही गैर लड़ाकू रहे हूँ लेकिन जल्द ही हम स्पाइन कॉप की भीषण लड़ाई में आग की चपेट में आ गए। युद्ध के दौरान एम्बुलेंस कॉप्स ने कई लोगों की जान बचाई थी, उन्हीं में से एक गांधी जी से कहते हैं, आई ओ यू माई लाइफ सर, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, मैं आपका कर्जदार हूँ। गांधी जी इसका जवाब देते हुए कहते हैं, थिंक नथिंग ऑफ इट, I was merely doing my duty. I am glad you are feeling better. गांधी जी कहते हैं कि अरे तुम इसके बारे में मत सोचो, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था और मुझे खुशी है कि तुम अब अच्छा महसूस कर रहे हो। इसके बाद गांधी जी बताते हैं, पब्लिक ओपिनियन वॉज नाउ ऑन आवर साइड, द ब्रिटिश इवन अवार्डेड मी ए मेडल फॉर माई सर्विसेज, अब लोगों की राय हमारे पक्ष में होने लगी थी और ब्रिटिश सरकार ने भी मुझे पदक से सम्मानित किया।